ये देखिए मेरी गर्मा गर्म मैगी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही शान, बहुत ही डिलीशियस, और इसका पूरा प्रोसेस आ गया। ये नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा एक वो मैगी मसाला बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल्स। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा मैगी मसाला बनाने जा रही हूँ एक ब्रेकफास्ट के लिए, और तो उसके लिए वेजिटेबल्स के साथ बनाऊँगी। तो ये मैंने ऑयली ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक चम्मच डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें प्याज डालना है, इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर और सारी सब्जियां डालेंगे। ये देखिए प्याज थोड़े से भुन गए हैं, ऑलिव ऑयल में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी हो जाएगा। और सारी सब्जियां मैंने गोभी डाला है, गाजर है, बीन्स है, शिमला मिर्च है, इन्हीं सब्जियों के साथ बनाऊंगी और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, गोभी सब हमने डाल दी है। अब इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है, अब इसको ढक देंगे, थोड़ी सी मुलायम सॉफ्ट हो जाए तब इसमें पानी डालेंगे, और उसी में मैगी और टमाटर। अब ये देखिए सब्जी कितनी कलरफुल लग रही है, और ये पक गई है ऑलमोस्ट। तो अब इसको हम इसमें पानी डालेंगे, और पानी डाल के मैगी का दो पाउच हम डालेंगे, उसी हिसाब से पानी डालेंगे। ये पानी मैंने डाल दिया, अब इसमें मैगी डाल देंगे, मैगी डाल देंगे। अच्छी तरह से थोड़ा सा पक जाएगा जब ये, तब मसाला डालेंगे, मैगी का मसाला जो उसके साथ मिलता है। और ये हमारे अपनी तरीके की मैगी बन रही है। इसमें मैं थोड़ी सी धनिया की चटनी भी डालूंगी, सॉस भी डालूंगी, टमाटो डालूंगी, वो बाद में डालूंगी, पहले ये पक जाए तब अच्छी तरह से गल जाए, और पक जाए तब इसको फुल फ्लेम पे ही पकाएंगे। ये मैगी के पानी एब्जॉर्ब हो गया है, तब टमाटर डालेंगे, मैगी मसाला डालेंगे। ये मैगी का मसाला, दो पैकेट मैगी है तो दो पैकेट ही मसाले का डालेंगे। ये देखिए मैगी का मसाला इसमें डाल देंगे, और अच्छी तरह से उसको पका लेंगे, और मेरी मैगी बन के तैयार हो जाएगी, और इसको सर्व कर देंगे। थोड़ा सा इसको चटपटा बनाने के लिए ये देखिए मैगी मसाला मैंने डाला है, और टमाटर डाला है। बहुत ही बढ़िया लाजवाब मैगी बनके तैयार हुई। इस तरह से आप भी बनाएं, ये मेरा स्टाइल है। थोड़ी सी हरी धनिया, एक चम्मच हरा धनिया का फ्लेवर, ये हरी धनिया डाल दिए, थोड़ा सा सॉस डाल देंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर आने के लिए। धनिया से बहुत अच्छा अलग सा चटपटा सा धनिया की चटनी मैंने अपनी होममेड डाल दी है। ये देखिए कितना बढ़िया मैगी बन के तैयार है, और इसका पानी पूरा सूख जाएगा, सूख जाए तब आप सर्व करिए और इसको एंजॉय कीजिए। मेरी मैगी बन के तैयार, मसाला मैगी वेजिटेबल के साथ बन के तैयार है। आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।